प्यारी राधे, कथा के तृतीय दिवस में पंडाल में विराजित सभी श्रद्धालु भक्तजन, उपस्थित सभी माताएं बहनें, यह जो आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व से इस पावन कथा का दर्शन श्रवण कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं, आप सभी भक्तों का वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से हीली की पवित्र धरा पर मैं बहुत बहुत स्वागत सम्मान वंदन अभिनंदन करता हूं, हृदय से सम्मान करता हूं। साथ ही साथ मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा उन सभी भक्तों को जो पूज्य देवी जी की ऐसी पावन कथा से जुड़ते हुए, पूज्य देवी जी के माध्यम से उस पावन संकल्प से जुड़ते हुए, पावन सेवा हेतु से जुड़ते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। एक तरफ कथा का दर्शन श्रवण करते हुए प्रभु की कृपा को प्राप्त कर ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रज वृंदावन की धरती पर जीवन यापन करने वाली, विश्राम करने वाली, विचरण करने वाली उन गौ माताओं की सेवा का आप सभी को पुण्य फल प्राप्त हो रहा है। आप सभी का मैं बहुत सम्मान करते हुए सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तृतीय दिवस की पावन कथा की प्रारंभिक आरती के लिए मैं कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सावित्री देवी गोपाल जी मोर साहब से निवेदन करूंगा कि मंच पर आ चुके हैं और आरती में सम्मिलित होने के लिए मंच पर ही रहेंगे पोथी पूजन अर्चन करते हुए। साथ ही कुछ और भक्तों को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, श्रीमती मीना देवी जी, पितर चंद्र जी अग्रवाल, जिनका नाम अनाउंस हो रहा है, केवल वो ही मंच पर आएंगे। श्रीमती गीता देवी गोपाल जी अग्रवाल से निवेदन, श्रीमती मीना देवी शाह, श्रीमती सरोज गोयनका जी, श्रीमती सीता देवी विजय कंदोई जी, श्रीमती गीता देवी अग्रवाल, श्रीमती ललिता देवी अग्रवाल। अति शीघ्रता के साथ जिन भक्तों का नाम की घोषणा हुई है मंच पर पधारेंगे। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हमारे जीवन में ऐसे पावन क्षण, ऐसे दिवस आए हैं कि हम कथा से जुड़ते हुए ब्रज वृंदावन की धरती की गौ माताओं की सेवा करने का पुण्य फल भी प्राप्त कर रहे हैं। गौ सेवा धाम में लगातार बीमार असहाय लाचार गौवंश का इलाज संचालित है। इस वक्त जब आप कथा का दर्शन श्रवण कर रहे हैं, अभी भी वहां पर कई गौ माताओं का इलाज हो रहा है, उनका इलाज इसी तरह चलता रहे, ये पावन सेवा संकल्प ब्रज वृंदावन की धरती पर इसी तरह दृढ़ता और मजबूती प्राप्त करता रहे, इसके लिए आप सभी का वांछनीय सहयोग आवश्यक है। आप सभी जो भी इस पावन आयोजन से जुड़े हैं या ऐसी पावन सेवा से जुड़े हैं, निश्चय ही प्रभु के कृपा पात्र हैं। आइए हम तृतीय दिवस की उस पावन आरती की ओर चलेंगे। आरती के लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा अपने स्थान पर खड़े होकर अपने मन में, अपने हृदय में बांके बिहारी जी को स्थापित करें, भागवत जी का ध्यान करें, सुमरण करें और ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णा जय, गौ माता। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगं रक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम अग्निर्मूर्धा देवः ककुद्वतिः प्रद्व्यायं मा वपागुंरे सा गुंषि जिन्वति। पुराने के आरती अति पावन पुराने के धर्मा भगति वे ज्ञान खाने के धर्मा भगति वे ज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराने के
निर्मल विराग विवेक विकास भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योत परमात्मा ज्ञान रसिक हृदय रस रास विलास भूति मुक्ति रति प्रेम सुभासिनी भूति मुक्ति रति प्रेम सुभासिनी कथा किने चन प्रिय सुजान के आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान कान की आरती यति पावन पुराण की आरती यति पावन पुराण की पावन पुराण पावन पुराण की ओम करदोनी राजनम पुष्पादिबंधनम आरोग्यार्थयात्मादिबंधनम अंदर पुष्पांजलि ओम देवो शांतिरंदरजगो शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोकदय शांति पणजवद शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरव शांति सामा शांतिरे हरि ओम जगने जगनमय जंद देवास्ता धर्मा प्रतमान्याशन तेहनाक महिमान शजंद पूर्वे साध्या संदिदेवा हरि ओम एक दंदाय विदमहे वक्रतुंडाय धीमहे तन्नो दंदः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विदमहे महादेवाय धीमहे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विदमहे विष्णुपत्नी च धीमहे तन्ना लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम दिवाकराय विदमहे प्रभाकराय धीमहे तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् मल्ले भवान् मौलिगले दले च मालां विशालां तुलसीदलेनां सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणाम् उपसर्पयामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत प्राण पुरुषोत्तमाय नमः बोलिए भागवत महापुराण के वृंदावन बिहारी लाल के व्यास महाराज के सुखदेव जी महाराज की राधारानी सरकार की सद्गुरुदेव भगवान के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आरती के बाद कथा के तृतीय दिवस के पावन शुभ अवसर में पावन दिवस में वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से पंडाल में उपस्थित सभी भक्तजनों का माताओं बहनों का या जो आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व से इस पावन कथा का रसा स्वादन कर रहे हैं आप सभी का हीली की पवित्र धरती पर मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में संचालित गौ सेवा धाम अस्पताल जो कि ब्रज वृंदावन की धरती पर संचालित है
ऐसी वृंदावन की धरा, ऐसी वहां की रज, जिसके कण कण में गोविंद का दर्शन होता है, जिसके कण कण में गोपाल का वास है, और उसी गोपाल की गौ माता की सेवा, गौ सेवा धाम के माध्यम से वो सारी चिकित्सा सेवाएं, वो सारे ट्रीटमेंट, वो सारे उपचार या वो सारे व्यवस्थाएं वहां पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो गौवंश की सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए या उनके घावों को भरने के लिए आवश्यक है। पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में गौ सेवा धाम अस्पताल एक ऐसा पावन धाम जहां पर निरंतर लगातार सतत 24 घंटे जो बीमार गौवंश गौ सेवा धाम तक पहुंचते हैं, चाहे वो किसी बीमारी से ग्रसित हो या किसी एक्सीडेंट की वजह से पीड़ित हो, उनके रखरखाव का, उनके लालन पालन का, उनके आहार का, उनकी चिकित्सा का जो संपूर्ण रखरखाव है, संपूर्ण व्यवस्था है, वो गौ सेवा धाम के माध्यम से निःशुल्क की जाती है। अब इसमें चाहे हफ्तों का समय लगे, चाहे महीनों का, गौ माता के आहार की व्यवस्था, भूसे की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था, उनके लिए पौष्टिक आहार जैसे गुड़, खली, दलिया, खल या चोकर जो हम उपयोग में लाते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं गौ सेवा धाम के माध्यम से निःशुल्क की जाती है। जब भी कोई सूचना किसी एक्सीडेंट की, किसी घटना की या कोई बीमारी की हमारे लिए पहुंचती है, तो एम्बुलेंस के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स की टीम उस गौशाला तक या उस घटना स्थल तक पहुंचते हैं और उन गौवंश को गौ सेवा धाम तक लाते हैं, उन्हें स्वस्थ करते हैं, उनके आंखों के आंसुओं को पहुंचने का, उनके घावों को भरने का ये पावन सेवा कार्य जो पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में गौ सेवा धाम अस्पताल के माध्यम से संचालित है। और इस पावन सेवा कार्य में आप सभी श्री अपना यथासंभव सहयोग देते हुए, सहभागिता निभाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप सभी श्री का मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हेली की धरा से आज तृतीय दिवस के पावन शुभ अवसर पर जिन भक्तों ने अपनी पावन राशियां समर्पित की हैं, मैं उनका नाम अनाउंस करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सम्मानीय सीमा सांवरिया जी अग्रवाल, सम्मानीय प्रकाश चितलंगिया जी, सम्मानीय मनोज अग्रवाल जी, सम्मानीय निरंजन अग्रवाल, चंदू बिहानी जी, आदरणीय मदन भूतरा जी, जिन्होंने 21,000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए गौ सेवा धाम में अपनी पावन सद्भावनाएं समर्पित की हैं, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आदरणीय मंगल चंद अग्रवाल जी की पुण्यस्मृति में प्रदीप अग्रवाल जी, ममता अग्रवाल जी हेली से एक गौ माता के लिए ऑपरेशन सहयोग राशि 7,000 रुपए समर्पित कर रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिवादन और निवेदन के मंच पर आएंगे और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। साथ ही सम्मानीय संजय अग्रवाल जी हैं जो कि नंदलाल जी के सुपुत्र हैं और आप श्री भी 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं, अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे। सम्मानीय रिंकी जी, ललित केसरा जी, मैं निवेदन करूंगा मंच पर आए, आशीर्वाद ग्रहण करें। आस्था भजन टीवी चैनल के माध्यम से ये पावन कथा संपूर्ण विश्व तक पहुंच रही है और केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि कई ऐसे भक्त हैं जो विदेशों की धरती से भी, जिनके हृदय में, जिनके मन में, जिनके दिलों में गौ माता के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, सम्मान है, अपनी पावन सद्भावनाएं राशियों के माध्यम से गौ सेवा धाम तक पहुंचाते हैं। मैं उनके कुछ पावन नाम उद्घोष करना चाहूंगा जिन्होंने टेलीविजन के माध्यम से जुड़ते हुए गौ सेवा धाम तक अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं। सम्मानीय आरती हलदर जी जो कि कटिहार बिहार से हैं और आप श्री 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। संतोष कुमार जी अलीगढ़ से 5,100 रुपए, सुमित्रा खंडेलवाल जी सरोही राजस्थान से 11,000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित कर रहे हैं।
जय जय राम यादव जी लखनऊ से 5,100 रुपए, विनोद कुमार जी सहादरा दिल्ली से 21,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। साथ ही नरोत्तम कुमार श्री पल्ली वेस्ट बंगाल से, श्री पल्ली से, और आप श्री दवाई सहयोग करते हुए गौ सेवा धाम से जुड़ रहे हैं। आप सभी दानदाता भामाशाह दानवीर गौ भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद प्रेषित करता हूं। आइए हम सब भी एक बार सभी दानदाताओं के सम्मान में जोरदार तालियां बजाते हुए उनका अभिवादन करें। वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट की ओर से आप सभी के समृद्ध सुखद स्वस्थ और सार्थक जीवन की कामना करते हुए आप सभी से यही निवेदन, हीली की धरा से मैं निवेदन करूंगा। आप सभी श्री भी आपके बीच से इतने भक्त लोग जब गौ सेवा धाम से जुड़ रहे हैं और अपनी पावन सहभागिता, अपनी पावन भूमिका निभा रहे हैं, तो आप सब भी आगे आएं और हीली की धरा से ब्रज वृंदावन की धरती तक, उन गौ माताओं के चरणों तक आप अपनी सद्भावनाएं पहुंचाने का वो परम सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे जो सेवा कार्यालय हैं मंच के दाहिनी तरफ और मुख्य द्वार के बाजू में स्थापित हैं, जहां पर आप अपनी पावन राशि समर्पित करते हुए अपना नाम अंकित करा सकते हैं। आस्था भजन टेलीविजन के माध्यम से जो भक्त इस पावन कथा से जुड़े हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके अपने वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट के या गौ सेवा धाम अस्पताल के सेवा मोबाइल्स नंबर दिखाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप कभी भी अपनी पावन सद्घोषणा, अपनी पावन सद्प्रेरणा, अपनी पावन सत्सेवा गौ माता के चरणों तक, गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से या अपने माता पिता के नाम से एक माह के गौ ग्रास की सेवा मात्र 1,00,000 रुपए, एक माह की गौ माता की चिकित्सा सेवा मात्र 1,00,000 रुपए, या उनके लिए जो पौष्टिक आहार गौ ग्रास सेवा 1,00,000 रुपए की अनुमानित लागत जो सेवा राशि है वो आप समर्पित करते हुए एक माह की सेवा स्वीकार कर सकते हैं, या एक ट्रॉली गौ ग्रास के लिए 11,000 या एक ऑपरेशन सेवा राशि 7,000 रुपए। आपके मन में जो भी सत्प्रेरणा जागृत हो या गौ सेवा धाम का निर्माण जो इस वक्त प्रगति से चल रहा है, ऐसे निर्माण कार्य में जिन भक्तों की श्रद्धा रहती है, भावनाएं रहती हैं, तो अभी आपके पास समय भी है, वक्त भी है, शुभ अवसर भी है। आप अपने प्रियजनों के नाम से, परिवारजन के नाम से गौ सेवा धाम में कोई भी निर्माण कार्य करवा सकते हैं और अपने परिवारजन का नाम अजर अमर कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके अपने गौ सेवा धाम के नंबर्स दिखाए जा रहे हैं उन पर संपर्क करते हुए या हमारी वेबसाइट www.worldsankirtan.org पर विजिट करते हुए अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कथा के विश्राम के पहले आपके वो सभी पावन नाम और पावन घोषणाएं लेकर आस्था भजन चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व तक पहुंचाते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव करेंगे। आइए तृतीय दिवस की पावन कथा के लिए पूज्य देवी जी के पावन कमल चरणों में श्रद्धामय नमन करते हुए आध्यात्मिक निवेदन करें। सभी लोग मुस्कुराते हुए दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।
Thank you.
भगवान की जय, श्री गौ माता की जय।
आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद्भागवत कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करें। सभी हरि भक्तों, वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। भगवान की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत कथा का आप हम सब श्रवण पान कर रहे हैं। भागवत के हर एक शब्द में, हर एक अक्षर में श्री कृष्ण साक्षात रूप में विराजमान है। ये प्रमाण है कि जब भी आपके मन में कुछ संशय हो, कोई प्रश्न हो, बस प्रभु का नाम लेके आंख बंद करके भागवत का कोई भी शब्द आप खोल लो, कोई भी पन्ना आप खोल लो, अपने आप अगर आपकी जिज्ञासा, अगर आपका प्रश्न सुखद होगा, उसी स्थान पर आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। क्योंकि आज परीक्षित भी जब गंगा के किनारे बैठे हैं, सिर्फ 7 दिन शेष है, जीवन में 7 दिन बचे हैं, और भक्त की मानसिकता देखिए, उसकी सोच देखिए कि अगर कोई संसारी होता तो रोता, चिल्लाता, सबके पास जाता, कोई मुझे बचा लो, 7 दिन बचे हैं। लेकिन परीक्षित जी ने अपना समय इन सब चीजों में व्यर्थ न करते हुए सीधे किसी संत के चरण को पकड़ने की मन में विचार को प्रकट किया। क्योंकि भगवान तक पहुंचने का अगर कोई रास्ता है तो वो एक संत महापुरुषों के चरणों के द्वारा होकर के जाता। क्योंकि हमारी इतनी शक्ति नहीं है, हमारे पास इतनी भक्ति नहीं है कि हम भगवान को प्राप्त कर सके। किसी ऐसा महत्पुरुष, ऐसा कोई महापुरुष जिसने भगवान को जाना हो, उनके चरणों में बैठकर के ही भगवत प्राप्ति की जा सके। आज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के पास पधारे हैं और राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन चिंता ना करो, जिसने एक बार श्रीमद् भागवत को अपना जीवन समर्पित कर दिया उसको प्रभु प्राप्ति होनी ही होनी है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस 7 दिन श्रद्धा से सुनो, भाव से सुनो, विश्वास से सुनो,
कि जिस कथा को तुम सुनने जा रहे हो वो कथा कोई कहानी नहीं, साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये भाव लेके अगर तुम 7 दिन प्रभु की कथा श्रवण पान करोगे तो तुम्हें 7 दिन नहीं, 7 क्षण में भी भगवत प्राप्ति हो सकती। लेकिन ध्यान रखना, मैं यहां तुमको कुछ नया सुनाने वाला नहीं, जो मेरे पिता व्यास जी ने सुनाया है वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। एक सच्चे वक्ता की पहचान यही है, जो कहे कि मैंने कथा सुनाई तो समझो कहीं गड़बड़ थी, या कोई आयोजक कहे कि मैंने कथा कराई, या कोई श्रोता समझे कि मैंने कथा सुनी। ना कथा कोई कह सकता है, ना कोई कथा करा सकता है, ना सुन सकता है। जब राधा रानी की कृपा हो, जब श्री जी दोनों हाथ उठा करके कृपा करें, तब जा करके ऐसे कार्य संभव हो पाते, अन्यथा प्रभु की कथा न मेरे हाथ में है न आपके हाथ में है, न मेरी सामर्थ्य है मैं सुना सकूं, ना आपकी सामर्थ्य है आप सुन सको। कोई हमारे हृदय में बैठा है जो कहलवा भी रहा है और जो सुन भी रहा है। एक बड़ी सुंदर कथा कहानी मुझे याद आती है, एक लॉरेंस एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, ये पेरिस में रहते थे। तो एक बार ये घूमने किसी अरब देश में चले गए, अरब देश में गए घूमने के लिए। तो वहां के अरब के लोगों ने इनकी खूब अच्छे से खातिरदारी की, खूब अतिथि सत्कार किया, तो ये बड़े खुश हुए और उन सबको निमंत्रण दे के आए कि भैया तुम सब भी एक बार जरूर पेरिस आना, हम तुमको पूरे पेरिस का दर्शन कराएंगे, भ्रमण कराएंगे। तो ये अपने पेरिस को वापस आ गए। अब कुछ दिन बाद उन अरब के लोगों ने मन में विचार किया कि चलो लॉरेंस बुला के गए थे तो हम चल पड़ते हैं, तो सब ने मिलकर के सब पेरिस चले गए। पेरिस पहुंच गए तो लॉरेंस ने इनको पूरा पेरिस दर्शन कराया, सब जगह लेके गए, एफिल टावर ये वो सब जगह पूरा भ्रमण करा दिया, बढ़िया 5 स्टार होटल में रुकवाया। लेकिन जब 5 स्टार होटल में रुकवाया तो अरब जो देश है वहां पानी की बहुत कमी होती है, अरब के लोग पानी को बड़ा बचा के बड़ी सीमितता में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन आज जब ये 5 स्टार होटल में गए तो वहां तो पानी की कमी नहीं थी, खूब टंकी चलाए, अब तो दिन भर उसी पानी में नहाए। लॉरेंस इनको कहता रे भैया इतनी दूर आए हो चलो घुमाने ले जाएं, पर इनको नहाने से ही फुर्सत नहीं थी, इनको तो मानो न जाने स्वर्ग मिल गया हो। 5-10 दिन रहे, उसके बाद जब ये सब वापस जाने लगे, अभी आधा एक घंटे में फ्लाइट है, लॉरेंस इनको ढूंढ रहा है, कोई व्यक्ति भी बाहर दिखाई नहीं दिया, कहां गए। लॉरेंस को पता चला जरूर ये कहां है मुझे पता है, कहां होंगे, तो सीधा वहीं उनके होटल के रूम में चला गया। वहां जाके देखा तो सारे जो होटल की जो टंकियां थी, जो पाइप था, जो टंकी थी, नल था, उस नल को उखाड़ने में लगे थे। उसने कहा भैया क्या कर रहे हो, बोले हमारे देश में पानी की कमी इसलिए तुम्हारी इस नल को टंकी को उखाड़ के ले जा रहे हैं, अपने देश में फिर खूब नहीं। तो लॉरेंस ने हंसते हुए कहा रे भैया पानी इस टंकी में नहीं है, इस नल में नहीं है, इस नल से एक पाइप जा रहा है जो ऊपर जाके एक जल स्रोत्र से जुड़ा हुआ है, पानी तो उस टंकी में है, यहां तो बस नल को घुमाओगे तो पानी आ जाएगा, इधर घुमा दोगे तो बंद हो जाएगा, जलाशय कोई और है। वैसे ही वक्ता क्या है, एक नल के समान है, पीछे सतगुरु की कृपा की पाइप जुड़ी हुई है जो जाकर के प्रभु के कृपा के जलाशय से जुड़ी है। जब आप जैसे आयोजक टंकी के नल को घुमा देते हो तो 7 दिन चालू हो जाते, बंद कर देते हो तो बंद हो जाते।
जलाशय कोई और है, जहां कृपा का सागर भरा हुआ है, जहां वो कृपा का जल भरा हुआ है, वो जलाशय कहीं और है। सदगुरु की पाइप से ये रस यहां बहता है, जिसको आप हम सब जिसमें स्नान करते, इसमें ना कोई अभिमान कर सकता है, ना कोई ये कह सकता है कि मैंने 7 दिन कथा सुनाई। ये हम सब की सदगुरु की कृपा है कि आज हम सब यहां बैठे। कोई भी अच्छा कार्य हो, उसमें 3 चीजें सबसे आवश्यक होती है। एक होती है इच्छा, एक होता है आपका प्रयास, और फिर होता है भगवान का अनुग्रह। ये 3 चीजें जब मिल जाती हैं, तब जाकर के हम भगवान की कथा सुनने का हमें अवसर प्राप्त होता है। इसलिए भगवान से रोज हम कुछ ना कुछ मांगते हैं, प्रभु ये दो ये दो। भगवान से एक चीज ये भी मांगो कि हे प्रभु, ऐसे किसी महत पुरुष का, ऐसे किसी संत पुरुष का हमें संग करा दो, जिसके पास बैठने से ही कुछ करना भी ना पड़े, बस उसका दर्शन करें और अपने आप आंखों से अश्रु बहने लगे, उसके चरणों का दर्शन करें और सब कुछ अपना जीवन न्योछावर कर दे। जीवन में हर व्यक्ति को एक सदगुरु की आवश्यकता होती है, वो सदगुरु जो आपकी बहा पकड़ को आपके भव सागर से पार उतार सके। कुछ लोग कहते हैं अरे गुरु की क्या आवश्यकता है, शास्त्र है। बिल्कुल सही बात है, शास्त्र है, लेकिन आपको कोई भी पढ़ाई आप किताब में से पढ़ के नहीं पढ़ सकते, आपको स्कूल जाना ही पड़ता है। वहां एक अध्यापक आपको अच्छे प्रकार से आपको पढ़ाई सिखाता है, आप अपने मन से नहीं पढ़ सकते। वैसे ही भगवान के पास जाना है तो एक गुरु की आवश्यकता है, जो आपको सही रास्ता दिखा सके। मान लीजिए आपको ये हिली से कोई भी आसपास का शहर हो, आपको मालदा जाना है या आपको कालियागंज जाना है, आसपास जो भी शहर हो, आपको रास्ता नहीं पता, किसी मित्र के घर जाना है, उसने एड्रेस लिख के दे दिया कि भैया इस पते पर पहुंच जाना, तो आप जा रहे हैं, आपको रास्ते में 10 जगह पूछना पड़ेगा, भैया जरा एड्रेस बताइए, जरा घर का पता बताइए। आप पूछते पूछते पहुंच तो जाएंगे, लेकिन आपको पहुंचने में देर लग सकती है। लेकिन वही एक आदमी कह रहा हो भैया कहां जाना है, उस पते पर जाना है, वो आदमी कहता अरे भैया मैं भी तो वही जा रहा हूं, कुछ मत करो, बस मेरी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा लो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस अपनी गाड़ी उस गाड़ी के पीछे लगाओ, वो आगे आगे चलते जाएंगे, तुम पीछे पीछे चलते जाओ और अपने आप तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। भगवान तक जाना है रास्ता बहुत लंबा है, पता नहीं है कैसे जाना है, किस किस से पूछ के जाओगे, रास्ते में कोई संत कोई गुरु मिल जाए और कहे बेटा मैं भी वहां जा रहा हूं, आजा मेरा हाथ पकड़ ले, उनके चरणों को पकड़ के सीधा वो तुम्हें भगवत धाम तक पहुंचा दे। इसलिए जब भी जीवन में सदगुरु की प्राप्ति हो, संत की प्राप्ति हो, तो समझ लेना अब भगवान दूर नहीं है। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी इतना समझ लेना अब
अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेगा। अब हरि से मिलन, भगवान हमारे पास आ रहे हैं, ये प्रमाण क्या है? कैसे पता लगाओगे कि आप भगवान के नजदीक जा रहे हैं? आंखों में आंसू आए, आंखों में आंसू आए, दिन रात याद हरिया, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। संत प्राप्ति, गुरु प्राप्ति हो गई तो अब पक्का कंफर्म है कि भगवत प्राप्ति भी होगी ही होगी। बस उस संत के चरणों में विश्वास के साथ, भाव के साथ अपने आप को उनके चरणों में सौंप देना। वो जैसे रखे, जहां रखे, उनके चरणों में अपने आप को सौंप देना। गुरु महिमा को पूरी दुनिया को कागज बनाया जाए, पूरी दुनिया की वनस्पतियों को कलम बनाया जाए, समुद्र को स्याही बनाया जाए, तो भी एक संत की, एक गुरु की महिमा को कोई लिख नहीं सकता है। लिखे भी कौन? वो गुरु जो अपने शिष्य पर इतनी करुणा करता हो। कभी गुरु की वाक्यों पर संशय मत करना। काकभुसुंडी जी नित्य प्रति अपने गुरु के दरबार में जाते हैं, खूब श्रद्धा है, खूब विश्वास है और भाव से हर का श्री भोलेनाथ जी का भजन करते हैं। लेकिन एक दिन जब सत्संग सुन रहे थे तो गुरु जी ने सत्संग में बोल दिया कि हरि तो हर से बड़े हैं, बस इतना बोला। और काकभुसुंडी जी को मन में बड़ा बुरा लगा, ये गुरु जी ने क्या बोल दिया, हरि हर से बड़े हैं। बस अपने गुरु के प्रति श्रद्धा वहां कम हो गई। भोलेनाथ जी के दरबार में हाथ में ग्रंथ लेकर के पढ़ रहे हैं, गुरु जी द्वार पर आ गए, लेकिन गुरु को देखने के बाद भी जानबूझ करके अपने आसन से खड़े नहीं हुए। तुम पाठ कर रहे हो, कोई माला कर रहे हो, बीच में गुरु आ जाए तो पूजा को वही छोड़ करके उठ के गुरु को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि ये गुरु का आना ही प्रमाण है कि तुम्हारी पूजा भगवान ने स्वीकार कर ली, तुम्हारा पाठ भगवान ने स्वीकार कर लिया।
नहीं उठे अपनी, उसी जानबूझ करके अनदेखा कर दिया। गुरु उस अपमान के लिए कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान माफ नहीं कर सकते। भोलेनाथ जी की मूर्ति से शंभू भोलेनाथ आज प्रकट हो गए।